वेरी गुड। आप हमारे पहले ड्राइवर हैं, आप यकीन मानो पहले आप आ गए हो ना। पहले ये वेरी गुड, मुबारक कंग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया है ना, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा चल रहा है, आराम से चलो, आराम से चला। रास्ता तो ठीक था, मेरा नाम अहमद अली है। मैं सोच रहा हूँ रास्ता तो अच्छा है, मतलब जो पनामा था से थोड़ा नीचे जाके बर्फ, वहाँ पे हल्का सा बर्फ जमा हुआ है पानी है, जो उसकी वजह से पहली रिकॉर्ड है काम से जोजला जो एक दो महीने के लिए बंद हुआ और जो सडन जल्द ही ओपन हो है, मतलब शुक्रगुजार हैं। और अब हम बहुत खुश हैं और हमारे पैसेंजर जो बहुत खुश हैं, पहली जो गाड़ी वहाँ क्रॉस की जोजला, थैंक यू। देखिए ये बड़ी खुशी की बात है, जिस तरह से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन लद्दाख ने इस चीज़ को फॉलो किया, इंश्योर कराया और फिर बीआरओ ने इतना बढ़िया काम किया और रिकॉर्ड टाइमिंग में पहली बार जो है 80 डेज के अंदर अंदर हमने जो है इसको रोड को थ्रू कराया, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब हम जब ट्रैफिक, आज आपने देखा कि ये पहली गाड़ी हमारी है जो यहाँ पे हमारे ज्यूरिसडिक्शन में आ गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम चाहते हैं कि एसेंशियल आइटम्स वगैरह जो है वो जल्द से जल्द करगिल और लेह में पहुंचे। लोगों से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो कट ऑफ टाइमिंग्स है, जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन लद्दाख ने जो एडवाइजरी निकाला हुआ है उसमें जो कट ऑफ टाइमिंग है 6:30 से लेके 8:30 बजे तक, उसके अंदर ही हम गाड़ियों को अलाउ करेंगे और LMVs को अलाउ करेंगे। न तो बड़ी गाड़ियां अलाउ होंगी और ना कट ऑफ टाइमिंग के बाद 8:30 बजे के बाद हम किसी गाड़ी को अलाउ करेंगे। तो हम सब लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस टाइमिंग के अंदर अंदर वो मीनामर्ग में पहुंचे और मीनामर्ग से हम उनको आगे छोड़ेंगे और इसी टाइमिंग में जो है वो सोनामर्ग में पहुंचे, क्योंकि आगे जब धूप निकलती है, जब धूप पहाड़ी पे पड़ती है, बर्फ बहुत ज्यादा है, तो एवलांच का रिस्क रहता है। सर बड़ी गाड़ी के लिए कैसा फिजिबिलिटी है और उनके लिए क्या टाइमिंग रहेगा, कब उनके लिए प्रॉपर वे तरीके से उनको छोड़ा जाएगा, बड़ी जो ट्रकें होती है? बड़ी गाड़ियों के लिए अभी कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। जब ये रोड की कंडीशंस बेहतर होंगी, 10-15 दिन हम फिलहाल LMVs को चलाएंगे, एसेंशियल कमोडिटीज, जब रोड हमारा उस काबिल होगा, जब हम देखेंगे कि अब बड़ी गाड़ी चल सकती है, जो पार्ट होल्स वगैरह है उसको फिलअप किया जाएगा, रोड की वाइडनिंग होगी, टू वे कर दिया जाएगा, तो उसके बाद ही उसके बारे में कोई डिसीजन।